गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स हमने अब तक जो टॉपिक कंप्लीट किए वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग वो हमने कंप्लीट किए फिर हमने लिए ऑब्जेक्टिव फिर हमने लिए एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स फ्रेंड्स ये वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन ठीक है वही एग्ज़ाम में आएंगे अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो उसमें है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी वन बाय वन सब टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे तो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है फ्रेंड बिजनेस ट्रांजेक्शन अप रैंड बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या वॉट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी टू और मोर देन टू पर्सन यानी दो दो या दो से ज़्यादा आइधर कैश और क्रेडिट पे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करें विच इज कॉल इकोनॉमिक यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन लेट्स टे एग्जाम्पल देर आर टू पर्सन ए और बी एक ही प्रोविजन स्टोर्स की दुकान है बी एज ए कस्टमर है यानी बी ए से फाइव थाउजेंड का गुड्स परचेस करे कैश पे यानी बी कैश प्रोवाइड करेगा ए गुड्स प्रोवाइड करेगा तो ए और बीच के ए और बी के बीच में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ कैश में विच इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन मेन थर्म रूल रूल क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज ऑफ मनी या आइदर कैश और क्रेडिट में यानी ट्रांजेक्शन विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी दिस ऑल आर बिजनेस ट्रांजेक्शन तो फ्रेंड्स जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की उसमें जो पहला है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्मोलॉजी में फ्रेंड हमारे पास सेकंड नंबर है इवेंट इवेंट क्या है फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा गया बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो कुछ गुड्स और सर्विस का ले सकते हो यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल मुझे सैलरी दे रही है मान लो बराबर दे ही रही है ना मानने की ज़रूरत क्या है चलो। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है मैं स्टूडेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए टीचर एज ए टीचर मैं स्कूल को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और सामने मुझे सैलरी मिल रही है तो विच इज़ ऑल्सो ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट इवेंट क्या है यानी बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन है ना वो जो सिचुएशन है अदरवाइज जो रिजल्ट है ट लेक एग्जाम्पल हमने थ्री थाउजेंड का गुड्स परचेस किया बाहर से लेके आए थे तो फाइव फाइव हंड्रेड हमें वेजिस के पेड किए तो टोटल पेमेंट डन बाय अस थ्री थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है हमने उसको फाइव थाउजेंड में किसी कस्टमर को सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया यानी हमें फिफ्टीन हंड्रेड प्रॉफिट हुआ आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड हमने थ्री थाउजेंड का गुड्स परचेज किया बाहर से लेके आए फाइव फाइव हंड्रेड हमने वेजिस के पेड किए यानी मजूरी यानी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी थ्री फाइव डबल ज़ीरो हमने उसको फाइव थाउजेंड में सोल्ड कर दिया यानी हमें फिफ्टीन हंड्रेड का प्रॉफ़िट हुआ विच इज कॉल्ड रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड रिजल्ट यानी इवेंट हो गया हमारा ठीक है तो ये था हमारा सेकेंड बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है फ्रेंड्स वन और टू मिनट्स में एक्सप्लेन हो जाएगा आप एक बार भी रीड करोगे बराबर तो आपको माइंड में बैठ जाएगा ठीक है पॉइंट नंबर थ्री कैपिटल कैपिटल क्या है यानी आप जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करें कॉमेंस द बिजनेस कॉमेंस यानी स्टार्ट करना तो एज ए ओनर आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे यानी इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा अपने बिजनेस में तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विच इज़ योर कैपिटल लेस्ट एक एग्जांपल मान लो कि आपको मेडिकल स्टोर करना है क्योंकि अभी तो मेडिकल स्टोर अच्छे चल रहे हैं। चलो मेडिकल स्टोर्स करना है तो मान लो आपने फिफ्टीन लैक्स की एक सोप परचेज़ की और टेन लैक्स की आपने मेडिसिन परचेज़ की यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया ट्वेंटी फाइव लैक्स तो जो आपका ट्वेंटी फाइव लैक्स टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ विच इज योर कैपिटल विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस आई एम रिपीटिंग माय डियस मान लो कि हमें मेडिकल स्टोर पर स्टार्ट करना है तो हमने वंस एक शॉप परचेज की शॉप तो चाहिए ही चाहिए तो वो फिफ्टीन लैक्स की हाँ उसमें भी ठीक है और टेन लैक्स की हमने मेडिसिन परचेज कर ली बराबर फिफ्टीन लैक्स में फिर वो जो और और जो भी है वो भी इंक्लूड है तो फिर टेन लैक्स की मेडिसिन परचेज की यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया ट्वेंटी फाइव लैक्स तो ट्वेंटी फाइव लैक्स हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल कैपिटल ठीक है फ्रेंड्स तो ये था हमारा टर्मिनोलॉजी नंबर पॉइंट नंबर थ्री ड्रॉइंग्स अब ड्रॉइंग्स क्या है कैपिटल से रिवर्स है कैपिटल में ओनर बिजनेस में आइदर गुड्स कैश अदरवाइज एसेट्स लेके आता है कौन लेके आता है कैपिटल में ओनर और ड्राइंग्स में भी ओनर पर लेके नहीं आता है लेके जाता है एग्जाम्पल एग्जांपल इधर गुड्स कैश और एसेट्स टेक ए एग्जाम्पल आपकी प्रोविजन स्टोर्स की दुकान है आपकी प्रोविजन स्टोर्स की दुकान है तुम आपके घर पे एट योर होम जो भी प्रोविजंस की चीजें आती होगी वो कहाँ से आती होगी आपकी शॉप से आती होगी सीधी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप आपके घर के जो भी है प्रोविजंस की जो भी कॉलगेट है शॉप है खाने पीने की जो भी है ऑयल है तो वो घी है तो ये सब की सब चीज़ें थोड़ी बाहर से लोगे आप अपनी शॉप से लोगे तो ओनर जो अपने स्टोर से फॉर हीज पर्सनल यूज़ यानी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने स्टोर से यानी अपने बिजनेस में कोई भी गुड्स ले विच इज कॉल ड्राॅइंग्स विच इज कॉल ड्रॉइंग्स इसको यानी अपने स्टोर से कैपिटल में वो गुड्स एसेट्स और कैश लेके आता है और ड्राॅइंग्स में आइदर गुड्स कैश और एसेट्स लेके जाता है मान लो कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है पर मंथ आप अपने बिजनेस में से फोर्टी थाउजेंड कैश लेके आते हो घर पे घर पे भी चाहिए ना खाने पीने की चीज़ें और भी लाइट बिल ये सब है तो जो कैश फोर्टी थाउजेंड घर पे लेके आता हो अपने बिजनेस में से विच इज कॉल ड्राइंग्स यानी ओनर अपने ही बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड्स पर्सनल यूज जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना इन्विटेडकोमा पर्सनल यूज जो भी लेके आता है आइदर गुड्स घर पे गुड्स एसेट्स या कैश यानी बिजनेस में से गुड्स पर गुड्स एसेट्स और कैश पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से लेके जा रहा है विच इज कॉल्ड ड्राइंग्स ठीक है फ्रेंड फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी अब देर आर टू टाइम लाइबिलिटी यानी पेबल्स यानी हमें पे करना बाकी है विच इज आवर लाइबिलिटीज ठीक है अब आप एज ए बिजनेस बहुत सारी लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं बहुत सारी लाइबिलिटीज नेक्स्ट एक एग्जांपल आपने रमेश से यानी हमने रमेश से फाइव थाउजेंड का गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं, और ड्यूरेशन है टू मंथ यानी गुड्स तो हमें अभी ही मिल जाएगा पर हमें पेमेंट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग टू मंथ्स, यानी टू मंथ्स के बाद पेमेंट करना है तो वो हमारी क्या हो गई लाइबिलिटी वो हमारी क्या हो गई लाइबिलिटी अब लाइबिलिटी भी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी है और नॉन करंट लाइबिलिटी है एक्सटर्नल लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी है और नॉन करंट लाइबिलिटी यानी दोनों लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट दोनों है अब ले, लेते फ्रेंड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अब इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटी को दो इसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं म ओनर ने अपने बिजनेस में बराबर एज टेक एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हो यानी वी हम तो ये हमारा बिजनेस हो गया बहुत ही ईजी है एक बार पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा ये हमारा बिजनेस है हमने बिजनेस में टेन लैक्स रुपीस इन्वेस्ट किए कितने टेन लैख यानी ये तो हमारी कैपिटल हो गए बट बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है यानी हमने हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हुए एज ए कैपिटल तो विच इज कॉल इंटरनल लाइबिलिटी क्योंकि बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है कोई इन्वॉल्व नहीं है यानी ओनर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करे विच इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज बट आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फर्नीचर परचेस किया फर्नीचर परचेस किया टू लाख रुपीस का जिनका पेमेंट आफ्टर टू मंथ करना है तो विच इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्योंकि बाहर का पर्सन इन्वॉल्व है आपने फर्नीचर परचेज किया है जिनसे परचेज किया होगा आपको आफ्टर कंप्लीटिंग टू मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बाहर का पर्सन है वो विच इज कॉल एक्सटर्नल लायबिलिटी मान लो आप किसी से गुड्स परचेस यहां पे मैंने एसेट्स का लिया फर्नीचर का एग्जाम्पल लिया मान लो आपने किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो आप लोग टेन थाउजेंड का किससे परचेस किया तो रमेश से लेफ्ट के एग्जाम्पल ड्यूरेशन कितनी है थ्री मंथ्स यानी क्रेडिट पे परचेज किया सीधी बात है ना लाइबिलिटी क्रेडिट पे होगी तभी तो होगी अब आपको पेमेंट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री मंथ किसको रमेश को क्यों क्योंकि हमने रमेश से टेन थाउजेंड का गोड्स परचेज किया हुआ है तो विच इज योर फ्रेंड्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्लियर है फ्रेंड्स तो ये हो गया हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फिर है फ्रेंड्स हमारे पास करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में वन बाय वन कंप्लीट करते हैं एक ही बार पढ़ोगे फ्रेंड्स आई एम रिपीटिंग आपको पता चल जाए करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइब्रिटी अब करंट लाइब्रिटी क्या है फ्रेंड जहाँ पे यानी करंट लाइब्रिटी विच इज योर शॉर्ट टर्म लाइब्रिटी शॉर्ट टर्म विच इज योअर करंट लायबिलिटी कैसे शॉर्ट टर्म यानी जिनका पेमेंट आपको विदिन अ ईयर यानी जहां पर पे पेमेंट की लायबिलिटी आपको विदिन अ ईयर यानी ट्वेल्व मंथ के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी तो वो आपकी हो गई करंट लायबिलिटीज टेक एक एग्जाम्पल करंट एंड नॉन करंट दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं टेक एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स एक पेज भी एड कर देता हूं आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा मान लो आ हमने फिफ्टी थाउजेंड का गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे क्रेडिट पे परचेस किया डन ड्यूरेशन है हमारे में यानी क्रेडिट पीरियड बोलते हैं उसको क्रेडिट पीरियड कितना है क्रेडिट पीरियड है थ्री मंथ्स यानी हमें पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री मंथ्स यानी विद इन ईयर यानी विच इज योर यानी ये जो फिफ्टी थाउजेंड का गुड्स परचेस किया विच इज आवर योर्स जो भी बोले करंट लाइबिलिटी अब लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी यानी ड्यूरेशन वन वन ईयर से कम होगी यानी ट्वेल्व मंथ से कम होगी विच इज योर करंट लाइबिलिटी अब नॉन करंट लाइबिलिटी जहां पे ड्यूरेशन वन ईयर से ज्यादा होगी मान लो कि आपने बैंक से लोन ली बिजनेस लोन कितनी टेन लेख की पैसों की फंड की रिक्वायरमेंट थी तो हमने बैंक से लोन ले ली टेन लेख की कब लेन लोन पे, पेमेंट करना है टेन ईयर्स तो विच इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी यानी हमें बैंक का लोन का पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग टेन ईयर्स यानी हमें लोन का पेमेंट विद इन अ टेन ईयर्स में करना है यानी वन ईयर से ज्यादा है विच इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी यानी मेरे ख्याल से आपको पता चल गया आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट यानी जो लाइबिलिटी विद इन अ ईयर पेमेंट करना पड़ेगा हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी उसका पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा विच इज योर करंट लाइबिलिटी और जहां पे हमें ड्यूरेशन वन ईयर से ज्यादा मिल जाएगी पेमेंट करने की विच इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी क्लियर है फ्रेंड्स डन फिर है फ्रेंड्स करंट नॉन करंट नंबर एट एसेट्स एसेट्स क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स एसेट्स है हमारे पास यानी जो विजिबल हो जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो यानी टेंजिबल हो यानी बिजनेस यानी मान लो कि आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो भी मशीनरी है आपकी फैक्ट्री है तो जो भी मशीनरी है वो आपकी एसेट्स हो गई जो भी ऑफिस में फर्नीचर है वो आपकी एसेट्स हो गई क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एसेट्स आप अपना बिजनेस चलाओगे फिर आपके जो भी व्हीकल्स हैं है ना बिजनेस है तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं बिजनेस के पास तो जो भी आपके व्हीकल्स हैं तो वो भी आपके हो गई एसेट्स हो गई तो वो तो चाहिए ही चाहिए इन सब की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है सबकी क्योंकि आप उन जब भी आपने परचेस किया होगा तो आपने पेमेंट किया होगा तो विच इज एसेट्स अब एसेट्स कितने टाइप की होती है तो यानी टाइप्स ऑफ एसेट्स कौन कौन से टाइप्स की होती है तो यहां पे फ्रेंड्स एक्सप्लेन किया हुआ है नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स एंड फिफ्टी एसेट्स नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं यानी जिनकी लाइफ मोर देन ईयर यानी बारह महीने से ज्यादा बराबर तो वहां पे पीछे एक्सप्लेन किया हुआ ही है ये नॉन करंट करंट एंड फिफ्टी टी वही ले लेते हैं ये रही नॉन करंट यानी नॉन करंट यानी फिक्स एसेट्स नॉन करंट को आप फिक्स एसेट्स भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो यानी मैंने एग्जांपल दिया आपको लैंड एंड बिल्डिंग बराबर लैंड बिल्डिंग दोनों साथ में भी ले सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग फिर है आपके पास प्ल, मशीनरी प्लांट आ, दीज ऑल दीज आर फिक्स एसेट्स ठीक है वही आपके हो गए नॉन करंट अब नॉन करंट में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ यानी फिक्स एसेट्स में भी हो गए टेंजिबल टेंजिबल और नॉन टेंजिबल अब इसका मीनिंग क्या होता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल यानी टेंजिबल यानी दिखाई देने वाली यानी यही सबकी सब लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर व्हीकल्स दिस ऑल आर टेंजिबल एसेट्स बट वो फिक्स एसेट्स तो है बट टेंजिबल में आती है दीज आर सर्टन फिक्स एसेट वो टेंजिबल नहीं है इनटेंजिबल है वो क्या है ट्रेडमार्क कॉपी राइट पेटेंट गुडविल फ्रेंचाइजी दिज ऑल आर इनटेंजिबल यानी उसको देख नहीं सकते टेंजिबल यानी जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं इनटेंजिबल दैट मीन्स आप उसको देख नहीं सकते यानी विजिबल और नॉन विजिबल भी बोल सकते हो यानी नहीं दिखाई देने वाली कौन कौन सी पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपी राइट गुडविल फ्रेंचाइसीज दिज ऑल आर इनटेंजिबल एसेट दैट मीन्स वो दिखाई भी नहीं देती दिखाई नहीं देती आप छू भी नहीं सकते यानी महसूस कर सकते हो कि बिजनेस में है तो फ्रेंड्स ये भी हो गई हमारी टेंजिबल इनटेंजिबल ठीक है फ्रेंड अब ले लेते हो फ्रेंड्स करंट एसेट्स करंट एसेट्स मैंने साथ में ही एक्सप्लेन कर लिया यानी टेंजिबल फिर से एक बार कर देते हो फ्रेंड्स देर आर सर्टन फिक्स एसेट्स बिच विच आर कॉल नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स को ये आप नॉन करंट एसेट बोल सकते हो और उसमें भी दो पार्ट है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों आते हैं फिक्स एसेट में यानी लेक्स्ट लेके एग्जाम्पल गु लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल दोनों फिक्स एसेट्स में आते हैं बट लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल में आती है क्योंकि वो दिखाई भी देती है और छू भी सकते हैं। बट गुडविल इनटेंजिबल में आती है यानी वो दिखाई भी नहीं देती और छू भी नहीं सकते ठीक है थीके? तो मीनिंग क्या होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल का आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा नेक्स्ट टेंजिबल हो गया इनटेंजिबल हो करंट एसेट करंट एसेट्स क्या है यानी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज होता रहे विच इज ऑल आर करंट एसेट लेट्स टेक ए एग्जाम्पल कैश या बैंक बैलेंस यानी कैश बैलेंस कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दीज बोथ आर करंट एसेट्स लेट्स लेक्स्ट एक एग्जाम्पल कैसे यानी आप जैसे ही गुड्स कैश पे सोल्ड करोगे सोल्ड करोगे तो आपका कैश बैलेंस इंक्रीज होगा विद इन अ टेन मिनट्स आपने गुड्स कैश पे परचेज किया तो आपका कैश बैलेंस आइदर बैंक चेक से करोगे तो बैंक कैश आइदर बैंक दोनों विद इन टेन मिनट्स इंक्रीज डिक्रीज हो गए यानी जहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डे टू डे बिजनेस से इंक्रीज डिक्रीज होती रहे आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड जहाँ पे बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से इंक्रीज डिक्रीज होती होती रहे विच इज़ ऑल आर करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है कैश बैलेंस बैंक बैलेंस डेटर्स बिल्स रिसीवेबल बराबर रॉ मटेरियल्स स्टॉक फिनिश गुड स्टॉक दिस ऑल आर करंट एसेट्स टेक ए अनदर टर्मिनोलॉजी लिक्विड एसेट विच इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स एक पार्ट ही, ही है वो करंट एसेट्स का लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स का ही पार्ट है यानी वन कैटेगरी वही है उनकी अब जिनको आप कैश में शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर पाओ दीज ऑल आर लिक्विड एसेट्स यानी लिक्विड अब मान लो कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है डेटर्स है आपके पास बिल्स रिसिए के उनको पैसे आपको चाहिए तो वो जल्दी मिल सकते हैं बराबर यानी जितनी जल्दी आप एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाओ दीज ऑल आर लिक्विड एसेट्स क्लियर फ्रेंड्स आई एम रिपीटिंग माई जो भी एसेट्स को आप क्विकली जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर पाओ दीज ऑल आर लिक्विड एसेट्स ठीक टेक एग्जाम्पल डेटर्स बिल्स रिसीवेबल दीज ऑल आर लिक्विड एसेट्स रियल एसेट्स रियल एसेट्स क्या है यानी जिनकी इन फैक्ट यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हो हैव ए रियलिटी में वैल्यू है उसकी एक्चुअल में दिस दिस एसेट्स हैव ए मार्केट प्राइस क्योंकि मार्केट में आप उनको बेच पाओ तो दीज ऑल आर रियल एसेट्स वो आपके पास टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल यानी आप जो भी एसेट्स को सोल्ड करके आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाओ हाँ दीज ऑल आर रियल एसेट्स आपको उनके सामने आपको थोड़े फंड मिल जाएंगे यानी पैसा मिल जाएगा आपको मनी मिल जाएगी सामने ठीक है तो दीज ऑल आर रियल एसेट्स आपको कैश मिल ही जाएगी सामने सेल ऑफ एस रियल एसेट कैश कैन बी गन आपको मिल जाएगी फिफ्टी डे एसेट्स वो क्या होती है फिफ्टी डे एसेट्स यानी वो होती है एज ए एसेट पर होते वो एक्सपेंसिस यानी देर आर सर्टन एक्सपेंसिस जिनका बेनिफिट हमें मोर देन ईयर मिलता है यानी जब हम पेमेंट करोगे जब आप पेमेंट करोगे तो उनका नेचर एक्सपे एक्सपेंसिज होता है पर कहलाती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एसेट्स में क्यों आपने एक्सपेंसिस तो करंट ईयर में पे किया पर उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में से ज़्यादा आपको आने वाले ईयर यानी इन फ्यूचर में मान लो कि फ़ाइव इयर्स टेन इयर्स वॉट एवर में भी वहाँ पे उनका बेनिफिट यानी जो भी एक्सपेंसिज का बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर मिलने वाला हो र फिकेज एसेट्स लेफ्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं फिफ्टी टेज एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस एग्जाम्पल देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट दिज ऑल आर फिफ्टी टेस एसेट्स ओके डन फिर है रिसिप्ट रिसिप्ट क्या है अब तो वो तो बहुत ही ईजी है आप जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे सीधी बात है तो आपको सामने कैश मिलेगी जब भी आप वो ट्रांजेक्शन का पेमेंट रिसीव करोगे तो आपको सामने रिसीव मिलेगा मान के स्कूल में आप फीस पे कर रहे हो अब आप फिर से आए एग्जांपल एग्जाम्पल अपना ही लेते जब आप स्कूल में पढ़ते हो बराबर तो रेगुलरली आप स्कूल में फ़ीस पे करते हो तो वो स्कूल के लिए रिसिप्ट है आपकी फीस स्कूल के लिए जो आप पे करते हो वो स्कूल के लिए रिसिप्ट है और वो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है ठीक है अब जो इनकम रेगुलर मिलती जाती है जो रिसिप्ट रेगुलर बेसिस पे मिलती जाती है वो हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट और जो इनकम आपको बिजनेस में रेगुलरली नहीं मिलती है वो हो जाएगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है ये रिसिप्ट आधर आपको रेगुलरली भी मिलेगी अदरवाइज रेगुलर नहीं मिलेगी तो टेम्पररी पर्पज से मिलेगी ठीक है अब आप बिजनेस मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो आपका प्रोविजन स्टोर्स है लेट्स टेक ए एग्जांपल आपका प्रोविजन स्टोर्स है तो जो जो भी आप प्रोविजन आइटम सोल्ड करोगे सोल्ड कर, सेल करोगे यानी बेचोगे यू आर सेलिंग द प्रोविजनल गुड्स अब वो तो डे टू डे बिजनेस है आपका हर रोज करना पड़ेगा आपको और वहां से जो भी आपको कैश मिल रही है यानी जो भी रिसिप्ट मिल रही है वो हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट क्योंकि वो तो रेगुलर मिलती है यानी रेवेन्यू रिसिप्ट आपको रेगुलर मिलती है बट अब आप फाइव ईयर टेन ईयर से आप प्रोविजन स्टोर चला रहे हो अब आपने डिसाइड किया कि स्टोर्स में से देर आर सटन फर्नीचर वो ख़राब हो गया तो आपने उसको कबाडी वाले को स्क्रैप वाले को वो फर्नीचर बेच दिया तो जो भी रिसिप्ट मिली वो आपकी कौन सी हुई रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल इनकम यानी कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट वो हो गई आपकी कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि वो रेगुलर नहीं मिलने वाली है आपने टेन इयर्स कंप्लीट करने के बाद या अदरवाइज़ फाइव इयर्स कंप्लीट करने के बाद आपने थोड़ा बहुत फर्नीचर एज अ स्क्रैप निकाल दिया विच इज़ योर कैपिटल रिसिप्ट क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलने वाली आपको फ्रेंड रिसिप्ट तो है आपने जूना पुराना फर्नीचर बेच दिया तो थोड़े बहुत स्क्रैप्स के भंगार के यानी स्क्रैप के आपको पैसे तो मिल जाएंगे स्क्रैप के पैसे तो मिल जाएंगे आपको बट विच इज योर कैपिटल रिसिप्ट यानी रिसिप्ट दो टाइप की होती है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट तो फ्रेंड्स ये हमारे सिक्सटीन नंबर का पॉइंट भी कंप्लीट हो गया बराबर यदि आप गुड सोल्ड करेगे आपको जो भी मिलता है स्कूल में आपकी जो फीस है ना फ्रेंड्स स्कूल में जो आपकी फीस है ना वो स्कूल के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है आप पे करोगे दूसरे दिन और कोई पे करेगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर स्कूल में देर आर सर्टन रिसिप्ट वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है यानी हमारा सिक्सटीन नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो गया मान लो कि स्कूल में से जूनियर जो भी फ़ैन है हमारे बराबर अब स्कूल ने डिसाइड किया कि वो फ़ैन को बदल दो निकाल दो पुराना स्क्रैप में बेच दो तो वो हमारे जो जूने पुराने जो फ़ैन है बराबर वो स्क्रैप में चले जाएंगे वो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो विच इज़ योर रेवेन्यू रिसिप्ट ठीक है तो ये रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट वो भी हमारी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो कम्प्लीट यानी ये दोनों ही आएंगे रिसिप्ट में यानी रिसिप्ट में पैसे मिलते हैं ठीक है बिजनेस में बहुत सारी रिसिप्ट हो, हो सकती है डिविडेंट्स की रिसिप्ट हो सकती है कमीशन की रिसिप्ट हो सकती है ये बहुत सारी इनकम होगी वही रिसिप्ट में आएगी फिर से फ्रेंड इनकम होगी वही रिसिप्ट में आएगी यानी रिसिप्ट के लिए पहले इनकम जनरेट करना पड़ता है तभी रिसिप्ट यानी हमारा एटीन नंबर का भी पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया यानी फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे नाइनटीन नंबर का पॉइंट है पेमेंट्स ओके तो आज के सेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही हैव अ गुड डे